subscribe exam tutor lectures, click on subscribe button and click on bell icon for latest notifications. Hello everyone, welcome to exam tutor lectures. This is NCERT class 11 chapter 2 part 5 structure of atom. In this lecture we are going to cover topic discovery of protons and neutrons. हमने लास्ट पार्ट में इलेक्ट्रॉन के बारे में देखा था अबाउट देयर डिस्कवरी चार्ज टू मास रेशियो के बारे में. नेक्स्ट इज द प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन जहां एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है. कैसे ये डिस्कवर हुआ? सबसे पहले तो फर्दर काफी एक्सपेरिमेंट्स किए. एक मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब में गोल्डस्टीन ने भी बहुत एक्सपेरिमेंट किए एंड 1886 में उन्होंने डिस्कवर किया कि कुछ केनाल रेज हैं, पॉजिटिवली चार्ज रेज हैं, जो कि स्ट्राइक करती है ऑपोजिट साइड. जो परफोरेटेड कैथोड अगर हम लेंगे कैथोड, तो कुछ पॉजिटिवली चार्ज रेज ऑपोजिट साइड पे ग्लो प्रोड्यूस करती हैं. इसी तरह से गैस एट लो प्रेशर में एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड ऑन पासिंग हाई वोल्टेज बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्या ऑब्जर्व किया गोल्डस्टीन ने कि कैथोड रेज, कुछ रेज जो कैथोड रेज तो ऑपोजिट साइड पे जा रही हैं फ्रॉम द कैथोड, वो स्ट्राइक कर रही थी इस साइड पे. ठीक है, फॉस्फोरसेंट मटेरियल जब यहाँ पे लगाया गया तो यहाँ पे ग्लो शो कर रही थी. कुछ कलर्ड रेज जो हैं वो साइमल्टेनियसली ऑपोजिट साइड पे भी ग्लो प्रोड्यूस कर रही थी. सो काफी एक्सपेरिमेंट ग्लोलस्टीन ने करके ये केनाल रे को डिस्कवर किया. लेकिन इस टाइम पे भी प्रोटॉन के बारे में नहीं पता लगा. हालांकि इसी एक्सपेरिमेंट में प्रोटॉन डिस्कवर हो सकता था. गोल्डस्टीन ने किसी पार्टिकल की बात तो की कि पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन उसे नेम नहीं दिया था. फर्दर थॉमसन ने ऑब्जर्व किया पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एंड दीज रेज को एनोड रेज या फिर केनाल रेज बोला गया. एंड इसके फर्दर हम देखेंगे रदरफोर्ड ने देखा था कि इस तरह से प्रोटॉन वो हर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. करेक्टरिस्टिक जो प्रोटॉन के हैं, सबसे पहले तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो गोल्डस्टीन का मास डिपेंड होता है ऑन द नेचर ऑफ द गैस विच इज प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब. ठीक है, गैस कौन सी होगी एंड सिंपली दीज आर सिंपली ये पॉजिटिवली चार्ज गैशियस आयन है. द चार्ज टू मास रेशियो इन पार्टिकल्स का डिपेंड करता है ऑन द गैस फ्रॉम विच they originate. Some of the positively charged particle they carry a multiple of fundamental unit of the electrical charge. Cathode rays में देखा था जो behavior cathode rays में होता है उसके opposite होता है anode rays. Cathode rays जैसे कि positive side strike करते हैं, it will strike जो ये rays होती हैं ये negative side पे strike करेंगी. So this is the anode rays. Movement अलग होता है, opposite होता है as per the कैथोड रेज. सो द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को करेक्टराइज किया गया 1919 में. एंड प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज, इट वॉज सीन बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड. सो डिस्कवरी शुरू की गोल्डस्टीन ने, बट उस टाइम पे उन्होंने उसको कोई नेम नहीं दिया. द नेमिंग वॉज डन लेटर ऑन. इसी तरह देखा गया कि अगर एक पॉजिटिव है, नेगेटिव भी है, तो एक कोई न्यूट्रल पार्टिकल भी प्रेजेंट होता है एक एटम में एंड दीज पार्टिकल्स दे वर डिस्कवर्ड बाय चैडविक. सो द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स दे वर डिस्कवर्ड बाय चैडविक इन 1932. न्यूट्रॉन्स, इनका प्रेजेंस जो है, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स, दे डोंट हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. एटम्स के हमने तीन पार्टिकल्स देख लिए, वन वॉज इलेक्ट्रॉन, देन प्रोटॉन एंड नाउ न्यूट्रॉन. कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया? एक्सपेरिमेंट चैडविक ने किया था. ही बॉम्बार्डेड यानी स्ट्राइक अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय द अल्फा पार्टिकल्स. दिस वाज द एक्सपेरिमेंट. ठीक है, यहाँ पे एक बेरिलियम शीट ली, थिन शीट, एंड एक सोर्स लिया अल्फा पार्टिकल्स का. लाइक हेयर ही टुक पोलोनियम विच इज अ एलिमेंट. पोलोनियम एक इवैक्यूएटेड कंटेनर है. ठीक है, देयर इज नथिंग इन इट. सो इधर से अल्फा पार्टिकल से इसको स्ट्राइक किया गया. दिस इज द एब्जॉर्बमेंट शीट एंड डिटेक्टर हेयर, जिससे पता लगा कि एक न्यूट्रल पार्टिकल भी प्रेजेंट होता है एटम में. सो व्हेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स जिसका मास स्लाइटली ग्रेटर है देन दैट ऑफ प्रोटॉन, इट वॉज एमिटेड आउट. चैडविक ने उस पार्टिकल को नेम दिया न्यूट्रॉन्स. सो दीज वर ऑल थ्री पार्टिकल्स एंड हाउ एंड दे
प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं वो ये है, इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज होता है माइनस में नेगेटिवली चार्ज है, इट इज 1.602176 × 10⁻¹⁹. प्रोटॉन इसका सिंबल है ई, प्रोटॉन का सिंबल होता है स्मॉल पी, ठीक है, याद रखिए इट इज नॉट कैपिटल पी, इट इज स्मॉल लेटर पी, एंड ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, इक्वली ऑपोजिट, ठीक है, चार्ज का उतना ही मैग्नीट्यूड उतना ही है, 1.602176 × 10⁻¹⁹. फर्क क्या है दोनों में, व्हाट इज द डिफरेंस, इट इज नेगेटिवली चार्ज एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज. वेयर इज न्यूट्रॉन जिसका सिंबल स्मॉल एन है, इसका चार्ज क्या होता है, इट इज जीरो, इट इज न्यूट्रल. रिलेटिव चार्ज देखेंगे, यहाँ पे माइनस वन है प्लस वन है तो इट इज जीरो. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.109382 × 10⁻³¹. एंड प्रोटॉन इज 1.672626 × 10⁻²⁷. एंड दैट ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.674927 × 10⁻²⁷. एटॉमिक यूनिट्स में इट इज इलेक्ट्रॉन इज 0.00054, प्रोटॉन इज 1.00727 एंड न्यूट्रॉन इज 1.00867. सो अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक यूनिट्स में यूनिफाइड मास होता है, इलेक्ट्रॉन इज 0, प्रोटॉन इज 1 एंड न्यूट्रॉन इज 1. फर्दर हम देखेंगे कि आफ्टर द डिस्कवरी जिस तरह से ये पार्टिकल डिस्कवर हुए तो इनकी प्लेसिंग कैसे होती है एक एटम में.